हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी दार्जिलिंग जा रहा हूं और रास्ता बहुत ही प्यारा है, पहाड़ी रास्ता है, सकड़ा सा रास्ता है, लेकिन दोनों तरफ ग्रीनरी, ज़बरदस्त वैली, बहुत सारे बंदर, बहुत सारे सुनहरे प्लेसेस, सुनहरी वादियां। आप सभी से कहना चाहूंगा कि एक बार दार्जिलिंग ज़रूर आएँ। अगला मैसेज अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा दार्जिलिंग पहुँचने के बाद। बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हो, बड़े बड़े लीडर्स की जीवनियां पढ़ते हो और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं 6 ऐसी स्किल्स बताने जा रहा हूं जो कि हर लीडर के लिए होना जरूरी है। और भी बहुत सारी स्किल्स हो सकती है लेकिन इन 6 पे आप जरूर फोकस कीजिए क्योंकि ये 6 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल्स है लीडर की। देखिए, जितने भी बड़े लीडर हैं आज की डेट में, दोस्तों बॉलीवुड के लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स के लीडर हो सकते हैं, हॉलीवुड के लीडर हो सकते हैं, बिजनेस खेल जगत के लीडर हो सकते हैं, इन सब में आपको करीब करीब ये 6 स्किल्स मिलेगी और ये 6 स्किल्स नहीं हुई तो लीडर बनना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहली स्किल जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, और इसको मैं स्किल कह रहा हूं क्योंकि ये कला है, ये कौशल है, ये कहलाती है सेल्फ रिव्यू एंड सेल्फ रियलाइजेशन की स्किल। सेल्फ रिव्यू एंड सेल्फ रियलाइजेशन यानी आज आपने परफॉर्म कैसा किया ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइज आपको करना पड़ेगा, मैं कहां गलत हूं, कौन सी चीज मेरे लिए सही है या कौन सी चीज गलत है। आपको पीपल सेंसिटिव होना पड़ेगा, आपको प्लेस सेंसिटिव होना पड़ेगा, आपको अपने आप की पावर को रियलाइज करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ रिव्यू का स्किल डेवलप करना पड़ेगा। रोज रात को सोने से पहले अपने आप को रिव्यू कीजिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए, अपने आप से बात कीजिए कि मैंने आज क्या सही किया, क्या गलत किया, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो मैं कहता हूं आप लीडर बन चुके हो, बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है। क्योंकि जो आदमी खुद से बात करता है और खुद की गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है वो इंसान बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके लिए हम लोग एक कमांडो ट्रेनिंग करते हैं और वहां पे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, वो है कैच योर पैटर्न, यानी अपने आप का पैटर्न क्या है, मैं कब गुस्सा होता हूं पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं किन चीजों पे अपसेट हो जाता हूं पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं कब समय वेस्ट करता हूं और कब समय का सदुपयोग करता हूं अपने आप को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कैच योर पैटर्न, अपनी आदतों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये पहली स्किल है और ये स्किल है क्योंकि इसको डेवलप करना पड़ेगा, बार बार करके इसे अपने अंदर लाना पड़ेगा। जैसे ही आपने कुछ गलत किया तुरंत आपको पकड़ में आ जाए, उस लेवल की अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल, कॉपी राइटिंग स्किल। वैसे कॉपी राइटिंग टर्म यूज होता है सेल्स के लिए, जो चीजें लिखी जाती है उनके लिए, बट मैं कहता हूं एक लीडर रोज लिखेगा, सोशल मीडिया पे लिखेगा, ईमेल लिखेगा, कभी कभी एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए कोई लेटर लिखेगा,
एक लीडर के लिए लिखना जरूरी है। जितने भी महान लीडर हुए हैं उन्होंने किताबें लिखी है। आप कहेंगे ये तो सर राइटिंग स्किल हुई, आप कॉपी राइटिंग स्किल क्यों दे रहे हैं इसे नाम? देखिए राइटिंग एक जेनरिक हो सकती है, कॉपी राइटिंग वो राइटिंग होती है जो कि मजबूर करती है सामने वाले को कुछ एक्शन लेने के लिए, वो सामने वाले के दिमाग पे अटैक करती है, वो सामने वाले के दिल पे अटैक करती है, वो सामने वाले को पूरी तरह से खींच लेती है और उसको प्रेरणा देती है कुछ करने की, तुरंत प्रभाव से कुछ करने की। तो अगर आप एक लीडर हैं तो लिखना सीखिए, लीडर के लिए लिखना आना बहुत जरूरी है। कोई लीडर कह रहा है मुझे लिखना नहीं आता, मेरे लेटर्स तो कोई और ड्राफ्ट करेगा, कर सकते हैं, बट अगर आपको खुद को आता है तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हर क्षण आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। आप कहीं जा रहे हैं, आज ट्विटर का जमाना है, तुरंत ट्वीट करना सीखिए ताकि आप दिल से कनेक्ट हो सके, लोगों से कनेक्ट हो सके। तीसरी स्किल दोस्तों, पब्लिक के सामने बात करने की स्किल, प्रेजेंट करने की स्किल, जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंट करना एक लीडर की सबसे बड़ी जरूरत है। हर लीडर को चाहिए कि वह दिल से स्टेज पर जाए और प्रेजेंट करे, अपने आप को दुनिया के सामने बात करे, और जब भी वो बात करे दुनिया सुने, दुनिया ना सिर्फ सुने उसकी फैन बन जाए, उसको फॉलो करने लगे। लीडर हैज टू बी लाइकेबल, ये कहा जाता है लीडर हैज टू बी लाइकेबल, लेकिन आपको कोई लाइक नहीं करेगा अगर आप बात नहीं करेंगे तो। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल, जितना इसको इंप्रूव कर सकते हैं उतना इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ये वो स्किल है जिससे आप लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचने के बाद सालों तक लीडर बने रह सकते हैं। इससे आप हजारों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और उनके दिल को छूने वाली बातें कर सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल आती है तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एम आई राइट रॉन्ग? इसको डेवलप कीजिए, रोज इसका ट्रेनिंग लीजिए, गलतियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आपको स्टेज से जी चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी स्किल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन स्किल है एक लीडर के लिए, वो है पीपल हैंडलिंग स्किल। एक लीडर जबरदस्त होना चाहिए लोगों को हैंडल करने में। उसे समझ आना चाहिए कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, उसे समझ आना चाहिए लोग कैसा फील कर रहे हैं, उसे लोगों के बोलने से पहले ही समझ आना चाहिए कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक लीडर जबरदस्त होना चाहिए जब आती है बात लोगों को हैंडल करने की। उसकी प्रेजेंस में ही लोग इंस्पायर हो जाने चाहिए, उसके बिना कहे ही लोग काम करने लग जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड अमेजिंग पीपल हैंडलिंग स्किल, दिस इज कॉल्ड पीपल हैंडलिंग स्किल। महात्मा गांधी बोलने लगे और पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। आई एम श्योर ही हैड ग्रेट पीपल स्किल, एम आई राइट और रॉन्ग? सो पीपल हैंडलिंग स्किल। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, एक लीडर को बेचना आना चाहिए, यानी लीडर शुड बी ग्रेट एट सेलिंग। क्यों? लीडर तो शायद सेल्स के फील्ड पे जाएगा नहीं। फिर यस, लीडर को सेल्स की स्किल जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर लीडर को बेचना आता है तो वो कोई भी रिजल्ट्स ला सकता है। हर समय हम लोग बेच रहे हैं, हर समय हम बेच रहे हैं। हम अपने बच्चे को भी चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने तो हम उसे अपने आइडियाज बेच रहे हैं, हम अपने घर वालों को भी कोई ना कोई चीज बेच रहे हैं, हम हमेशा बेच रहे हैं। एक बेचने की कला आती है अगर, तो आप अपने आप को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा सकते हो, आप अपनी कंपनी के फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हो, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप जैसे हजारों लीडर क्रिएट कर सकते हो। आप जानते हो कि किसकी साइकोलॉजी के हिसाब से क्या बात करनी है, इसीलिए सेल्स करना आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी दिन डिटेल में इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। एंड द लास्ट क्वालिटी जो कि एक लीडर के अंदर होनी ही होनी चाहिए, वो है नेटवर्किंग स्किल, यानी नेटवर्क बनाने की और बढ़ाने की ताकत। नेटवर्किंग स्किल यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की आदत, नेटवर्किंग स्किल यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की आदत, नेटवर्किंग स्किल मतलब उन लोगों के साथ जुड़ने की आदत जो लोग आपको आगे की सीढ़ी तक पहुंचा सके। नेटवर्किंग मतलब जोड़ना, नेटवर्किंग मतलब मिलना, नेटवर्किंग मतलब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, नेटवर्किंग मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना। एक लीडर को आना चाहिए कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। एक लीडर को नेटवर्क बनाना भी आना चाहिए, नेटवर्क के साथ जुड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर एक लीडर ने नेटवर्क बनाया तो वो फास्ट इस दुनिया में फैल सकता है। ये छह काबिलियत है एक लीडर के अंदर, जो कि कम से कम है हर एक लीडर के अंदर होना जरूरी है। अगर ये छह चीजें हर लीडर के अंदर हुई तो मैं वादा करता हूं कि वो लीडर इस दुनिया में इतना तेजी से आगे बढ़ेगा जितना उसने खुद ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये छह चीजें आपको बनाती है ना सिर्फ एक लीडर, एक बहुत ही अद्भुत लीडर। दोस्तों आई नो सुनने में ये बहुत आसान है, लेकिन ये छह चीजों को मास्टरी करने में जिंदगी लग जाती है। इन छह चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने में बहुत समय लगता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस रही, पहला स्किल अगर आपने मास्टर कर लिया तो बाकी की पांच मास्टर करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपके दिमाग पे हिट कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक आदमी इसके बारे में दिल से सोचेगा। अपने सभी दोस्तों को जिनको आप लीडर बनाना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस देश को बहुत सारे लीडर्स की ज़रूरत है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को टॉप पे ले जाना है, तो लीडरशिप एबिलिटी तो हमारे अंदर होनी पड़ेगी। और लीडरशिप का एक आखिरी पॉइंट, लीडरशिप अज्यूम की जाती है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी मिली तो आप लीडर हो गए। अभी से अपने आप को लीडर मानना शुरू कीजिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि इस वीडियो को फैलाना, इन चीज़ों का लीड लीजिए एंड इस भारत को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको तुरंत उनके बारे में पता चलता रहे। हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।